नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और स्वागत है आपका सिम टॉक्स में। आज मैं फिर लेकर आई हूँ अपना बेस्ट प्रोडक्ट चॉपर। आपको जैसे कि पता है कि मैं चॉपर्स के बारे में ना बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ और बताना ज़रूरी समझती हूँ सबको कि चॉपर कैसे काम कर रहा है, कौन सी कंपनी का कैसा काम कर रहा है। ऑब्वियसली चॉपर हमारी किचन में सबसे ज़्यादा काम आता है। नाइफ के बाद में अगर जो कोई दूसरे नंबर पर आता है तो वो आता है चॉपर, औरतों का एक बढ़िया सा हथियार जिसमें वो सब कुछ डालकर चॉप कर देती हैं। तो हम लेकर आए हैं आज ये वाला चॉपर। ये हमने लिया है अमेज़ोन से और बड़ी बढ़िया सी इन्होंने पैकिंग दी है जी। और ये जो है इसका ब्रांड नेम है पिक्सोर। ये देखिए पुश चॉपर, ठीक है, विक्सोर इसका ब्रांड नेम है। ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया है और MRP इसकी जो थी 400 थी, और लोकल मार्केट से अगर जो आप इसको लेंगे तो शायद इससे बहुत कम में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अमेज़ोन से एक चीज़ ये है कि आपको आपकी मनपसंद चीज़ सर्च करके ईज़िली मिल जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो मैं तो अमेज़ोन से ही लेना पसंद करती हूँ। कभी लोकल मार्केट जाती हूँ तो लोकल मार्केट से भी कुछ चीज़ें मेरी जो ज़रूरत की होती हैं वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ और आपको उनका रिव्यू भी देती हूँ कि लोकल मार्केट से जो मैंने लिया है सामान वो कैसा है। तो ये चॉपर मैंने मंगाया है, अब मैं इसका आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि शुरू शुरू में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं क्या कहूँ कि मुझे ये वाला चॉपर ना यूज़ करना नहीं आया था और मैंने इसके अंदर बड़े बड़े स्लाइस डाल दिए थे एक चॉपर में, मैं उसका वीडियो दोबारा नहीं बना पाई। तो वो बेचारा चॉपर ही क्या करता, गलती मेरी थी कि मैंने ना बड़े बड़े उसमें अनियन डाल दिए। ये चॉपर है, इसके पीछे ग्रिप लगी हुई है बढ़िया, और ये देखिए बीच में भी इन्होंने जो है ना इसको अंदर जो है ना ये दिए खांचे बना कर दिए हैं। इनका भी एक यूज़ होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ होगा। और बड़ी अच्छी जो है क्वालिटी है, जो इन्होंने मटेरियल लगाया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम फाइन है और बहुत फिनिशिंग के साथ में बनाया है। पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा सा इन्होंने इस ग्रिप एक दी है जहाँ से आप इसको खोल सकते हैं पकड़ के, साइड से भी दिया है और बीच से भी इन्होंने दिया हुआ है आपको जहाँ से कन्वीनियंट हो। और पीछे आपने जैसे कि देखा कि ये वैक्यूम रबड़ है, जो आप इसको रखेंगे अपने टॉप पर, किचन टॉप पर, तो ये वहाँ पर एकदम फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप खूब एफर्ट लगाएंगे तो तभी भी नहीं हटेगा, लेकिन आसानी से नहीं हटेगा, आराम से ये अपना काम करता रहेगा ग्रिप बनाकर। ये जो है इसके अंदर चार जो है ब्लेड दिए हैं, वेरी वेरी शार्प ब्लेड्स, ये काफ़ी शार्प हैं और बस फिंगर रखी और गई समझ लो। चॉपर के हिसाब से उन्होंने ठीक ही ब्लेड दिए हैं, काफ़ी बढ़िया तेज़ धार वाले हैं और क्वालिटी में भी कोई मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया वाले स्टील से बनाए हैं। और ये इन्होंने लॉक दिया है, अब हम लॉक ओपन करेंगे तो ये ऊपर की साइड जाएगा जिससे हम पुश करेंगे और चॉपिंग करेंगे, और इसको नीचे की साइड स्लाइड करके हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए ये लॉक हो गया इस वक्त पर, और अब हम स्टार्ट करते हैं चॉपिंग, देखते हैं कि अपना वर्क कैसा करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे। देखिए खाली चॉपर चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल हवा हवाई, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये इस तरह से वर्क करेगा। अब मैं इसके अंदर अनियन डाल रही हूँ, मतलब मीडियम साइज़ के काट के डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डाल दिए या बहुत बारीक बारीक डाल दिए, तो मीडियम साइज़ के काट के डालें, बहुत थोड़े से डालें, आधा ही अनियन है, ज़्यादा अनियन नहीं है। तो ये मैंने इसका चॉपर जो है लगाया, सेट किया, और जी सेट करके अब मैं इसको पुश करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें ये लगा दिया है और लगाकर अब मैं इससे काम करना शुरू करूँगी। शुरू शुरू में तो मैं पूरा जो ना इसके ऊपर झूल जाया करती थी, सीरियसली पता नहीं अब आप लोगों को कैसा लगेगा कि मैं अपनी कमियां खुद ही बताती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं बस ऐसी हूँ, मैं झूल जाती थी, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने ये चॉपर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर बहुत मज़ा आने लगा मुझे। तो
सच बताओ ना, मेरा तो स्ट्रेस फ्री भी हो जाती हूँ मैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो बहुत सारे अनियन चॉप करके और शीशी में भर के रख लेती हूँ, गार्लिक और जिंजर भी, कि चलो खाली टाइम में बैठ के ये कर लो। ऐसे तो टाइम कभी होता नहीं, लेकिन मन करता है कई बार किचन में काम करने जाने का। सारे काम मेट्स करती हैं, अब मेरे को भी शौक आता है कि नहीं मैं भी करूँ आज अपने किचन का कुछ काम। तो देखिए ये मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ। मैं कई बार ना मैंने देखा भुने हुए टमाटर की चॉप करके चटनी बनती है अनियन डालकर, मैंने एक दिन यूट्यूब पर देखा था, वो भी बड़ी टेस्टी इस चॉपर में बनी। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी बता दूँगी। बहुत ही आसान है, बिहार के साइड में वो लोग बनाते हैं, बिहार साइड के लोग, और बहुत टेस्टी है। एक बड़ी अच्छी बात है कि बिहार साइड का खाना ना बहुत हेल्दी होता है, कम तेल का होता है। जैसे हाँ यूपी और पंजाब दिल्ली के लोग, हम लोग ना बड़े चटोरे होते हैं, तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ये चॉपर बहुत पसंद आया। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।